सो हे व्यूअर्स, जैसे कि लास्ट टू वीडियोज़ में हमने पेपर नंबर 6 के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, तो इस वीडियो में हम पेपर नंबर 6 की बात करेंगे, विच इज़ टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रैटेजीज। तो इधर हम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर स्टूडेंट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस, यानी कि जो बच्चों का विजन या फिर हियरिंग पार्शली या फिर कम्प्लीटली नहीं है, उनके लिए हमें कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजीज का यूज़ करना चाहिए। तो अपने पहले टीचिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो ऑफरिंग चॉइसेस हो सकता है। ऑफरिंग चॉइस का मतलब होता है कि हम बच्चे को 3, 4, 5 ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं तो अपनी मर्जी से एक ऑप्शन चूज कर, जिसको लेके हम कॉन्सेप्ट या फिर टास्क करवाएंगे। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। पहले कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वो एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेता है कि हाँ मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया, मैंने ये टेक्निक चूज़ की है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को पढ़ाया जा रहा है। उसका सेल्फ एस्टीम पूरा होता है, उसको डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इंप्रूव होती है, उसको वो 3-4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ कर रहा है, यानी वो अपना डिसीजन ले रहा है, तो उसको डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी उसकी इंप्रूव होती है। और सेकंड टीचिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो इन्वॉल्विंग द चाइल्ड इन एंटायर प्रोसेस ऑफ द एक्टिविटी। मीन्स अगर वो बच्चा डेफ या ब्लाइंड है, बेशक पार्शली या कम्प्लीटली, तो अब हमारे सेंसेस होते हैं, अब उसको सुनने की उसकी पूरी शक्ति नहीं है, देखने की पूरी शक्ति नहीं है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो चाइल्ड है वो फिजिकली इन्वॉल्व्ड हो उस एक्टिविटी में, वो एक्टिविटी खुद परफॉर्म करे, उस एक्टिविटी में अपना पूरा पार्टीशन दिखाए। अब हम नेक्स्ट ले सकते हैं टेक्निक, हैंड ओवर हैंड टेक्निक। अब बच्चा डेफ और ब्लाइंड है तो अगर हमसे कोई भी चीज़ सिखानी है, हैंड ओवर हैंड का मतलब होता है जो स्पेशल एजुकेटर या फिर जो टीचर ट्रेनी है उसका हाथ बच्चे के हाथ के ऊपर होता है। मीन्स सपोज ये टीचर ट्रेनिंग का हाथ है और ये चाइल्ड का हाथ है, तो चाइल्ड का हाथ नीचे रहता है और टीचर ट्रेनिंग का हाथ ऊपर रहता है, मीन्स हैंड ओवर हैंड। और इसके अकॉर्डिंग वो चाइल्ड के हैंड को गाइड करता है कि हमें कैसे काम करना है, कैसे टास्क को पूरा करना है। अपने हैंड का कंट्रोल चाइल्ड के हैंड के कंट्रोल के ऊपर रखता है और उसके अकॉर्डिंग उसका हैंड मूव करवाता है। और यहीं पे एक और टेक्निक होती है हैंड अंडर हैंड, तो इसमें टीचर का सिर्फ उसको थोड़ा सा हैंड प्रोवाइड करना टास्क होता है, बाकी चाइल्ड की मर्जी होती है, उसका डिसीजन होता है, उसकी विल के अकॉर्डिंग वो अपना हैंड मूव करता है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की बात करें तो रियल लाइफ लर्निंग, ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट जो करवा रहे हैं और बच्चे की रियल लाइफ को हम आपस में कनेक्ट करवाते हैं, मतलब कि अगर हम उसे कोई भी टास्क करवा रहे हैं उसको जो रियल लाइफ एक्टिविटी है उसके साथ उसको रिलेट करवाते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही डेली रूटीन में बच्चा अपना डेली रूटीन का टास्क करेगा उसको वो वाला कॉन्सेप्ट भी रिमाइंड होता रहेगा, जिसकी वजह से उसको वो ज़्यादा क्लियर होगा और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी आती है ग्रुप लर्निंग और इंडिविजुअल लर्निंग। अब ज़रूरी नहीं है कि हर टास्क को ग्रुप में करवाया जा सके या फिर हर टास्क को इंडिविजुअली करवाना पड़े। वो हम कौन सा टास्क करवा रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट कराने वा रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि हम उसे ग्रुप में सिखा सकते हैं या फिर इंडिविजुअल लर्निंग की ज़रूरत है। दोनों के अपने अपने बेनिफिट हैं। इंडिविजुअल लर्निंग में 1-to-1 कनेक्शन होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन हो पाता है, हम बच्चे की नीड्स को अच्छे से समझ पाते हैं, बच्चे के ऊपर, एक ही बच्चे के ऊपर पूरा फोकस रहता है। और ग्रुप लर्निंग में बच्चे को अपने पीएस के साथ इंटरेक्शन करना आ पाता है, एक दूसरे के कंपटीशन वाली फीलिंग रहती है कि ये मेरे से अच्छा कर रहा है, मेरे से अच्छा नहीं कर रहा। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। कॉन्सेप्ट पे, हमारे टास्क पे डिपेंड करता है कि हमें दोनों में से कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी चूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट, टर्न टेकिंग भी एक बहुत अच्छा टीचिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें पहले टीचर ट्रेनी टास्क परफॉर्म करता है, फिर चाइल्ड करता है, या फिर टीचर ट्रेनी कोई इंस्ट्रक्शन बताता है, फिर चाइल्ड करता है। टर्न बाय टर्न काम चलता है इसमें। जो चाइल्ड है वो टीचर ट्रेनी के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है, इंटरेस्टिंग उसको लगती है एक्टिविटी, क्योंकि वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो पाता है। अब हमें नेक्स्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो है मल्टी सेंसरी अप्रोच। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमारे 5 सेंस होते हैं, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच। इनके अब जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, बॉडी सबसे ज़्यादा 95% इन्फॉर्मेशन गेन करती है हियरिंग और विजन के साथ। अब डेफ ब्लाइंड चाइल्ड है, उसके पास ना उसका हियरिंग है ना उसका विजन है, चाहे पार्शली की बात करें चाहे कम्प्लीटली की बात करें, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन गेनिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक रुक चुका है, काफ़ी हद तक पीछे रह गया है। तो इसके लिए हमें मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ करना चाहिए कि अगर उसका थोड़ा सा विजन या फिर थोड़ा सा हियरिंग की पावर है तो हम उसको यूज़ करें, साथ में टैक्टाइल का एनेस्थेटिक चीज़ों को भी यूज़ करें, बच्चे को इन्वॉल्व करें। अगर हम बच्चे को फ्रूट का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो पहले उसको टच करवाओ, फिर उसको टेस्ट करवाओ, जिससे उसे याद रहे कि इस शेप के फ्रूट का ये टेस्ट है और तो इसका नाम ये है। इस तरह से हमें मल्टी सेंसरी अप्रोचेस का यूज़ करना चाहिए। अगर हम उसे सैंड, पेट्रोल, इन सब का डिफरेंस करवा रहे तो हमें उसकी स्मेल वाले सेंस को यूज़ करना चाहिए कि पहले हम उसे अलग अलग चीज़ों को स्मेल करवाएं, पेट्रोल की स्मेल अलग होती है,
गीली मिट्टी की स्मेल अलग होती है, तो हम उसे पहले वो करवाएं स्मेल, उसके बाद उसको नाम बताएं। तो ऐसे मल्टी सेंसरी अप्रोच को यूज़ करते हैं हम, तो बच्चे को ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं चीज़ें। अब इसी के साथ हम इसी वीडियो में बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी टेक्निक्स की, जो डेफ ब्लाइंड चाइल्ड के लिए यूज़ होती है। अब बच्चे के पास उसका विजन नहीं है, हियरिंग नहीं है, तो बच्चे का एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का टास्क एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि वो ना देख सकता है और ना सुन सकता है। तो इसके लिए भी ऑफकोर्स कुछ टेक्निक्स और कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिसकी वजह से ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी वाला टास्क परफॉर्म हो सके। तो पहली टेक्निक होती है लोअर हैंड एंड फोरहैंड टेक्निक। लोअर हैंड का मतलब होता है जो बच्चे का हैंड है वो नीचे बॉडी के नीचे वाले पार्ट के सामने रहता है। बच्चे का फिर हैंड ऑब्स्टिकल्स को टच करता है, टच करके उसे समझ आता है कि यहाँ पे आगे जाने का रास्ता है और यहाँ पे आगे जाने का रास्ता नहीं है। इसी के साथ एक और टेक्निक होती है अपर हैंड। लोअर हैंड में हाथ नीचे वाली बॉडी के सामने था, अपर हैंड में हाथ यहाँ रहता है, फेस के आगे रहता है। इससे बच्चे को, बच्चा टच करता है चीज़ों को चलने से पहले, उसके फेस के आगे उसका हैंड है जो ऑब्स्टिकल को फाइंड करता है, उसे समझ आता है कि कहाँ पे आगे जाने का रास्ता है और कहाँ पे आगे जाने का रास्ता नहीं है। नेक्स्ट साइटेड गाइड टेक्निक। अब आपने ये मोस्टली मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, उनके साथ एक गार्ड आता है, वो उनको एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक मूव करवाता है। ऐसे करवाता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जो साइटेड गाइड पर्सन होता है, मीन्स जो यहाँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करवाता है, वो आगे आगे चलता है और जो ब्लाइंड पर्सन है वो उसका हैंड पकड़ के उसको फॉलो करता है। तो ये साइटेड गाइड टेक्निक रहती है, इसमें एक पर्सन का नीड रहता है। नेक्स्ट द केन टेक्निक। ये तो मोस्टली बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक केन का यूज़ किया जाता है, वो चाहे फोल्डेबल केन हो या फिर नॉर्मल केन हो। ब्लाइंड पर्सन केन की हेल्प से पहले ऑब्स्टेकल या फिर रास्ता फाइंड करता है, उसके बाद अपना ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का टास्क करता है। एंड लास्ट द गाइड डॉग टेक्निक। ये काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, इसमें जो डॉग है उसको यूज़ किया जाता है, मीन्स जो ब्लाइंड पर्सन है वो डॉग को अपने आगे रख के चलता है और डॉग इंडिकेट करता है ब्लाइंड पर्सन को क्या ऑब्स्टेकल है सामने या फिर किधर टर्न लेना है, किधर स्टेयर्स है, किधर नीचे जाना है, ये सारी चीज़ें डॉग गाइड करता है। अब ये मैंने कॉम्प्लेक्स क्यों कहा, क्योंकि इसके लिए हमें पहले तो डॉग को अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा कि वो उसे समझ आ सके कि सामने ये वाली मुश्किल है, तो हमें ब्लाइंड पर्सन को किस तरह से इंडिकेट करना है। फिर साथ में हमें ब्लाइंड पर्सन को भी ट्रेन करना होता है कि डॉग अगर ये इंडिकेशन दे रहा है तो इसका मतलब ये है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की। तो इसी के साथ हमारा टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी टेक्निक्स विद डेफ ब्लाइंड पर्सन कंप्लीट होता है ये टॉपिक। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए हम मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।